बड़ा आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। प्रांग मुकुन्नाद भुंजीता सूर्याभिमुख ये वचः। साधकों को चाहिए कि वो अति भोजन न करे, अति भोजन रोगकारी है, आयु के लिए हानिकारक है। जो ज्यादा खाते हैं जल्दी दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। अति भोजन रोगकारी है, आयु के लिए हानिकारक है, और अति भोजन का परित्याग कर देना ही चाहिए। पूर्व मुख होकर अथवा जिधर सूर्य भगवान है उधर ही मुख करके भोजन करना चाहिए। प्रांग मुखुन्नाद भुंजीता सूर्याभिमुख ये वचः। जिधर भगवान सूर्य नारायण है उधर ही मुख करके, बोलिए मत, उधर ही मुख करके भोजन करें। और देखिए, अभी मैं आपको बोल रहा था ना कि उत्तर की तरफ मुंह करके नहीं भोजन करना चाहिए, तो ये श्लोक लिखा है, नाद्य उदंग मुखो नित्यम विधि रेशा सनातना। कभी कहीं गए हैं एकाध दिन के लिए, वो बात अलग है, नहीं तो जो नित्य की परपाटी में है वो दक्षिण की तरफ पांव करके ना सोएं। लिखा है नाद उदंग मुखो नित्यम विधि रेशा सनातन। हमारी सनातन विधि कहती है उत्तर की तरफ मुंह करके भोजन न करें। पामों से धोने के बाद बचा हुआ जल है वो स्वान मूत्र की तरह हो जाता है। जैसे आप कहीं से आए और एक लोटा पानी मांगा और आधा पानी पामों में डाल लिया और बचा है वो उठा करके आधा पी लिया, वो पीने के लायक नहीं है। पूजा से बचा हुआ जल भी वो पीने के लायक नहीं है, ये त्याजित करने के लिए। लिखा ना पादौ प्रक्षाल्य, पामों से धोने के तत्पश्चात जो बचा हुआ जल है वो पीने के लायक नहीं है। यहां बड़ी सुंदर बात कही है, पादौ प्रक्षाल्य विदवदा अक्षम्य प्रियतो द्वजः। आप सबको यह चाहिए कि जब भोजन के लिए बैठे तो हाथ कोहनी तक, मुंह कुल्ला करके और पाम घुटने तक धोने के बाद ही आप भोजन करने को बैठिएगा, इससे जठर अग्नि खुलती है। किया गया भोजन पचता है। और क्या लिखा है, भुंजी तमोनिम सततम स्मरी देवम सदा शिवम। जितनी देर तक भोजन करते हैं मौन रह करके भोजन करें, ऐसा भोजन आपका याज्ञिक आहुति बन जाता है। लेकिन तो मोबाइल तो पास ही रहता है, सबसे ज्यादा तो बातें उसी समय करते हैं जिस समय भोजन कर रहे होते हैं। बहुत बात करते हैं, कनपटी पर मोबाइल चिपका होता है, एक हाथ में कौर होता है, तरुआ ठीक से खुल भी नहीं रहा है, मूड़ा खुल नहीं रहा है। ग्रंथ ने तो कहा कि भुंजीत मौनिम सततम, हमेशा के लिए ये नियम ले लें कि भोजन करते समय मौन रहे। बड़े होशियार लोग कहते हैं हम मौन इसलिए नहीं रहते रखते क्योंकि परोसने वाला ना आवे तो भूखे ही ना रह जाएंगे। रह जाइए भले ही, लेकिन जो मौन रह करके भोजन करते हैं उनको परोसने के लिए संसारी लोग ही नहीं, ऐसे भक्त को परोसने के लिए स्वयं भगवान चल के आते हैं, उस पर विश्वास रखिएगा, तो खुद आएगा परोसने के लिए। तो भुंजीत मौनिम सततम, सततम कहते हैं हमेशा, हमेशा हमेशा के लिए भोजन करते समय आप मौन रहिए। और स्मर देवम सदाशिवम, जिस समय आप भोजन कर रहे हैं उस समय भगवान को याद जरूर करें, प्रभु को प्रणाम करके तभी भोजन कीजिएगा। भुंजीत मौनी सततम स्मर देवम सदाशिवम, सदैव भगवान का स्मरण करके ही भोजन करें, परमात्मा का धन्यवाद करके भोजन करें। ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने शाकाहारता को कभी नहीं छोड़ सकता, उसके उदर में कभी खराब चीजें नहीं जा सकती। भोजन और भजन करने वाले लोग अकाल मृत्यु से नहीं, समय पर उनकी मृत्यु होती है। भगवान सूर्य नारायण अपने पुत्र मनु को ऐसा बोले, सोपानत को जलस्तो बाहर, भोजन करते समय बीच बीच में पानी मत पीजिएगा। क्यों, जिस समय जठर खुलता है आप भोजन करते हैं ऊपर से ठंडा फ्रिज का पानी पी लेते हैं तो जठर की आंख बुझ जाती है। सीधी सी बात है, चूल्हा जल रहा हो एक लोटा पानी डाल दें ऊपर तो क्या होगा, तो आग बुझ जाएगी, तवा ठंडा हो जाएगा। और ठंडे तवे की रोटी देखी है आपने कैसी होती है, आपने देखी होगी। यही स्थिति अंदर की है, जो गुटुक गुटुक करके बीच में आप पानी पीते हैं जठर की अग्नि बंद हो जाती है,
फिर आप खट्टी डकारे लेते रहते हैं, वह पच नहीं पाता। न चैव वर्षधारा ऋण तिष्ठत् प्रलपत्र चह प्राश्नीयात्रपः पूर्वं ब्रह्मेड प्रियतो द्वजः। इसमें लिखा है कि भजन में और भोजन में आनंद आवे इसके लिए ब्रह्म तीर्थ से 3 बार रोज आचमन कीजिए। अब आप तो सबको पता भी नहीं होगा ब्रह्म तीर्थ किसे कहते हैं। सूर्य भगवान बता रहे हैं कि साधक को, भजनानंदी व्यक्ति को ब्रह्म तीर्थ से रोजाना वह 3 बार आचमन करें। ब्रह्म तीर्थ कहाँ है? एक दिन ज्ञान झरोके में पूछ लेंगे, अभी बता रहे हैं और फिर ज्ञान झरोके प्रश्नोत्तरी में पूछेंगे। ब्रह्म तीर्थ कहते हैं इसको, ये यहाँ का जो स्थान है ये सब ब्रह्म तीर्थ में आता है। ये स्थिति है, ब्रह्म तीर्थ है ये। उगली अंगूठे के नीचे आंखी में बजाइए, उगली अंगूठे के नीचे दबाई और इसमें आपने जल लिया, इसमें जो पानी डाला है ये ब्रह्म तीर्थ नहीं है। बहुतों को आदत यही होती है। ब्रह्म तीर्थ क्या है? ब्रह्म तीर्थ है ये गंगा जल है इसमें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। बाद में हाथ धोइए। और बहुत लोग ऐसे लेते हैं, ऐसे देखो यूं करेंगे हाथ, यूं ऐसे चपटिया जैसा हाथ ऐसे, और बहुत यूं करेंगे हाथ, ये ऐसे नहीं है। 24 मुद्राओं में से एक मुद्रा है ये ब्रह्म तीर्थ हो गया। ये तर्जनी उगली अंगूठे के नीचे सूर्य भगवान कह रहे हैं इस तरीके से ब्रह्म तीर्थ में जल लेकर आपने 3 बार जो आचमन किया है वह जल 7 गंगाओं का होता है, सप्त गंगाओं का वह जल होता है। और जब ऐसा आचमन करते हैं आप तो भजन में आपका मन लगता है और भोजन आपका पचता है। कम से कम दिन में 3 बार आचमन ब्रह्म तीर्थ से नित्य कीजिएगा। आचार्य श्री कौशिक जी महाराज YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, एवं नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।